दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनेश और टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने एक लैपटॉप लिया है और आज मेरा पार्सल मुझे मिल चुका है। और ये जो लैपटॉप है दोस्तों, ये i3 का लैपटॉप है, डेल का है और इसमें 1 TB मिलता है, 4 GB रैम। और चलो देखते हैं, ओपन करते हैं। तो एक्चुअली मैंने इसे ओपन कर लिया था पहले, कि जब मैंने पार्सल रिसीव किया था तो चेक कर लिया था। तो मैं करता हूँ इसे ओपन और दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो एक पहले बॉक्स आया जो कि मैंने 34990 में ख़रीदा है अमेजोन से, और अमेजोन से ये बॉक्स आया है। कम से कम 4-5 दिन लगे आने को। तो मैं निकाल लेता हूँ ये बड़ा सा बॉक्स। उसके बाद ये रहा डेल का बॉक्स और इसमें है लैपटॉप, जिसके ऊपर तो कुछ है नहीं, बस कुरियर वाले के स्टिकर लगे हैं, इंटेल इनसाइड ऐसा लिखा है। इसके बाद करता हूँ मैं लैपटॉप को ओपन। तो चलो यहाँ से मैंने कट कर लिया है और ठीक है, इसे करता हूँ ओपन। आपको भी दिखना चाहिए कि मेरे पास दोस्तों पहले भी एक पेंटियम का लैपटॉप था और डेल का ही था, जो मैं अभी भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा है वो भी। लेकिन ये मैंने और भी एक लिया है, तो ये i3 का लैपटॉप है। और चलो देखते हैं। और तो इसमें सिंपल एक पैकिंग मिलती है। उसके बाद ये रहा चार्जर, चार्जिंग केबल, और ये भी चार्जिंग चार्जर ही है, तो इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और इसके बाद आता है अपना ये लैपटॉप, ठीक है। तो ये 15 इंच का लैपटॉप है और बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस बिल वगैरह रखा है उसमें, तो इसे भी रख देता हूँ साइड में। और ये रहा अपना मेन लैपटॉप। तो इसमें देखो दोस्तों, जो DVD राइटर है इसमें नहीं आता है, तो इसे भी कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। तो ये रहा लैपटॉप, यहाँ पे लिखा है डेल। और इसके आप देखेंगे तो फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है और स्ट्रक्चर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो करता हूँ ओपन इसे, और मैंने इसे शुरू भी कर लिया था पहले, क्योंकि जब भी हम इसे शुरू करते हैं तो पहले बहुत सारी सेटिंग रहती है, जिसमें नाम पासवर्ड जो भी डालना है वो सारा डालना पड़ता है। देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे DVD राइटर नहीं है, सिर्फ इधर USB लगाने के लिए है, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे HDMI और 2 USB के लिए है। उसके बाद हेडफोन लगाने के लिए यहाँ पे दिया है जैक। और यहाँ पे देखेंगे तो ओस्ट्रो 15 3000 मॉडल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे टच स्क्रीन और 15 इंच होने के कारण यहाँ पे जो नंबर के जो बटन्स है वो भी यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे डेल, और मैं इसे अब स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद हो गया शुरू, देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये डेल का जो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और इसके पहले भी मैंने यूज़ किया है तो मैंने फिर से डेल लिया। और एक्चुअली मेरे दोस्त ने भी बोला था कि ये डेल का ही लो, क्योंकि HP और बाकी ASUS वगैरह वो भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे मुझे यही लगता है। और आपको पता है कि मेरा एक Study7 चैनल है, तो उसमें ही मैं अपना जो भी वीडियो बनाता हूँ तो लैपटॉप में ही बनाता हूँ, और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो भी हैवी रहते हैं, उसके कारण मुझे थोड़ा अच्छा लैपटॉप चाहिए था। तो ये तो शुरू हो गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये आ गया स्क्रीन। उसके बाद इसमें, और फाइनल दोस्तों फुल्ली ये शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन वगैरह सब आ गया है। तो मैंने पहले ही शुरू किया था, तो इसमें मैंने क्रोम और PDF रीडर वगैरह इंस्टॉल करके रखा है। दोस्तों इसमें मिलता है 1 TB हार्ड डिस्क, 4 GB रैम, और DVD राइटर तो इसमें नहीं है, लेकिन DVD राइटर ना होने का भी फायदा होता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत कम होता है और थोड़ा स्लिम भी लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और यूट्यूब के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे जो वीडियो बनाना है तो इस पर ही काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो हैवी होता है, तो यही मुझे चाहिए था। तो दोस्तों आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरे लिंक से लेंगे तो मैं 1% डिस्काउंट तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, तो आप खरीद सकते हैं। और कुछ भी इसके बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिंदास आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें है क्या और कैसा है। तो काफ़ी मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया है। और मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे होस्ट्रो 15 3000 यहाँ पे लिखा है, लेकिन 3590 इसका जो मॉडल नंबर है वो है। तो फाइनली
34990 में मुझे एक घर तक आ गया है और स्लिम पीस है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है और बजट लैपटॉप है। अगर आप लेना चाहें इससे ज़्यादा तो 4550 i5 का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन i3 का लेना है और इंटेल का लेना है प्रोसेसर, तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट है। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं जिनको ज़रूरत है, थोड़ा अपना चैनल ग्रो किया है, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और लेना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो और बाकी सारे भी वीडियो मेरे देख लो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। तब तक के लिए बाय।